जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रभारी ने सौंपा इस्तीफा। पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा जिला प्रभारी चुनाव कांग्रेस को सौंपा इस्तीफा। आपको बता दें कि मोहम्मद रफी अंसारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के बाद जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग को चयन समिति का सदस्य बनाया गया, लेकिन चयन समिति की कोई मीटिंग ही नहीं की गई और मनमाने तरीके से बड़े नेताओं के इशारे पर लोगों को टिकट वितरण किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी उनके वार्ड में उतारा गया, जिसके द्वारा कभी भी वार्ड में कोई जनकल्याणकारी कार्य नहीं किया गया, ना ही वार्डवासियों की समस्याओं को कभी भी उसके द्वारा उठाया गया। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद से ही लगातार विरोध के सुर उठते जा रहे हैं, जिसमें पहले कांग्रेस के प्रदेश एवं जिला प्रवक्ता द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, वहीं अब टिकट न मिलने से नाराज अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। कांग्रेस पार्टी का मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का मैं जिला अध्यक्ष हूं, और जब अभी घोषणा हुई थी नगरीय निकाय चुनाव की तो उसमें हमें चयन समिति का मेंबर भी बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेंबर बनाया और टीम की घोषणा की। घोषणा करने के बाद इन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली और चयन समिति की किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं ली किसी पदाधिकारी ने। वार्ड क्रमांक 35 से मैं टिकट मांग रहा था और ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। कोरोना काल से लेके और तमाम परेशानियों में लोगों का मैंने साथ दिया, जन समर्थन हमारे साथ था, लेकिन टिकट काटने में नेताओं ने बहुत बड़ी गलती की। और उन्होंने किया क्या कि जो लोग उनके पास बैठते हैं अपने चाटुकारों को पार्षद की टिकट बांटने में सिलेक्शन किया और उनको टिकट दिया। इसलिए मैं नाराज़ होकर मैंने कहा था कि अगर हमें टिकट आप नहीं दोगे तो मैं निर्दलीय चुनाव वार्ड क्रमांक 35 से लड़ूंगा और जनता की जन समस्या के लिए काम करूंगा। ये मेरा कहना था उनसे। कौन ऐसे लोग हैं जो टिकट काटने में आपकी साजिश की? देखिए, इसमें तो क्या है कि जितने बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं में से मैंने कमलनाथ जी को अवगत कराया था टिकट काटने के एक दिन पहले, और मैंने अजय सिंह राहुल से भी मुलाकात की थी कि भैया हमें चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा आपको अगर टिकट मिल रही है तो आप जाओ चुनाव लड़ो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिन जिन नेताओं ने अपने अपने लोगों को टिकट दिया है उनका नाम उजागर है, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब आप लोगों को वाकिफ़ है। हर वार्डों को उठा के आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने टिकट बांटा है। क्या आप मानते हैं कि स्थानीय नेता पूरी कांग्रेस की स्थिति को खराब कर रहे हैं? स्थानीय नेताओं के वजह से पूरी कांग्रेस चौपट हो रही है, ये मेरा समर्थन है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो यूपी का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें जिस तरीके से जनाधार हमारी पार्टी ने खोया और जनाधार खोने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया कि हमारा जनाधार जा रहा है, कार्यकर्ता हमारे हाथ से जा रहा है। कल रीवा के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे ने भी इस्तीफा दिया। मैं सतना के हालात को क्या बताऊं, दुर्दशा पार्टी के देखिए, सईद अहमद पूर्व मंत्री हैं और बैरिस्टर गुलशेर अहमद साहब के बेटे हैं, उनको विधानसभा का टिकट काटा, फिर इसके बाद उन्होंने महापौर की टिकट काटी, फिर इसके बाद पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाना था तो पिछड़ा वालों को न बना के उनको बना दिया। एक तरफा तानाशाही कांग्रेस पार्टी में चल रही है। मुस्लिम समाज इनका बेस वोट बैंक है, मुस्लिम समाज अगर इनसे कटता है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशाई हो गई। अन्य राज्यों में आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से जनाधार चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी सबक नहीं सीख रहे हैं वो। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के लोग ही अस्तित्व खत्म करने में लगे। कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरीके से कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं और उनकी पूरी मिलीभगत है।